स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। और थंबनेल से आपको पता ही चल रहा होगा क्लास कौन सी है, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया हमने पूरा, है ना। क्लास नंबर 8 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों इन द सेंस आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, 2 वर्ष वाली आपकी आईटीआई है, तो भाई आपके लिए कोर्स जो है या जो क्लास है वो ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं ये ट्रेड में हूँ, उस ट्रेड में हूँ, है ना। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके पहले क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखो ये तो पहले से भाग रही है, इस क्लास को भागना नहीं चाहिए। इसके पहले 1 to 7 आपको जरूर देखना चाहिए, लगभग 1 से 7 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसको देखना होगा आपको कहाँ से जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देखना होगा। कहेंगे आप लोग तो मैं प्लेलिस्ट भी बता दूंगा कैसे देखते हैं। और आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये क्वेश्चंस होंगे लगभग बिजनेस से रिलेटेड सवाल ये होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यानी 141, इसके पहले हमने 140 क्वेश्चन जो है करा दिया है, 140 क्वेश्चंस करा दिए हैं और नंबर ऑफ वीडियो 7, यानी हर वीडियो में 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, बात हो रही है वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफी क्या है इफेक्टिवली। इसका मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं, प्रभावी ढंग से या अच्छे तरह से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। नेटवर्क का क्या मतलब है यहां पर, देखिए यहां पर मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं हो रही है। बिजनेस मैंने शुरू में बोल दिया था, एक सवाल आज आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो देखिए जब व्यवसाय या कोई बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस के लिए नेटवर्क का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाएं तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, ढेर सारे लोग जान पहचान होती जा रही है एक दूसरे से, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बातचीत हो रही है, मैसेजेज हो रहा है, तो वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सब क्या है, सोशल मीडिया नेटवर्क की नेटवर्किंग वेबसाइट या फिर एप्स हैं। इनमें क्या होता है, हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाते हैं। जैसे यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कैसे पॉसिबल हो पाया है, इस सोशल यह क्या है, एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, इसमें हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। तो अगर मेरी क्लास आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं। इसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा हूं कि किसी की क्लास छूट जाए तो टेलीग्राम में जुड़ा रहेगा तो वहां पर उसको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी लोगों से जान पहचान है, जितना ज्यादा लंबा आपकी नेटवर्क होगी, मतलब जितने भी ज्यादा आपके लोग होंगे जान पहचान के, उतना ही आपका बिजनेस चलेगा अच्छा। ऐसा क्यों, देखिए बिजनेस 2 तरह का हो सकता है, एक ऑनलाइन हो सकता है, एक ऑफलाइन हो सकता है। ऑनलाइन में क्या होगा, ऑनलाइन में जो आपके ग्राहक होंगे, जो लोग होंगे, अगर वो आपसे ऑनलाइन, ढेर सारे लोग, अब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं और आप इंस्टाग्राम पे आपके 1 लाख 2 लाख 4 लाख फॉलोअर हैं, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे उसके बारे में डिटेल फोटो वगैरह आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दोगे, जिस जिस ग्राहक को चाहिए होगा वो लिंक पर क्लिक करेगा और परचेज कर लेगा। इसी तरह से अगर आप लोकल में बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल में आपके फ्रेंड सर्किल होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके गांव के लोग होंगे, आपके कस्बे के लोग होंगे, उनसे जितनी जान पहचान होगी, आपकी हाय हेलो होगी, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो यह कहलाता है नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क में कह रहे हैं कि आपका नेटवर्क अच्छे तरीके से चले। अब ऐसा है, मान लीजिए आपने जोड़ दिया बहुत सारे लोगों को, जोड़ तो लिया लेकिन कभी कम्युनिकेशन ही ना हो रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने फॉलोअर बना लिया, आपने यूट्यूब पर 1 लाख स्टूडेंट्स को जोड़ लिया लेकिन आप पढ़ाते ही नहीं हो, कोई वीडियो ही नहीं डालते हो, तो फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहा इस नेटवर्क का, वो नेटवर्क डंप हो जाएगा, मतलब वो लोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे अपने आप, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ प्रभावी ढंग से यानी अच्छा नेटवर्क कौन कहलाएगा, कह रहे हैं कि जिन लोगों से आपका परिचय है केवल उन्हीं लोगों से बात करते रहे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नेटवर्क मतलब होता है लगातार बढ़ाते रहना, लगातार बढ़ाते रहना, ठीक है। अपना सिर्फ अपना सामान बेचने पर ध्यान देना, देखो आप बार बार अपना सामान बेचने पर ही ध्यान दोगे तब कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो ये गलत चीज है। आइडेंटिफाई योर कंपटीटर, अब आपको ये ढूंढना कि आपका कंपटीशन किससे है, इसका नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करना है, जो भी आपके कांटेक्ट में है उनसे आप हमेशा जुड़े रहें। अब जैसे अगर ऑनलाइन है तो आप बीच बीच में लाइव सेशन वगैरह करें, उनसे बातचीत करें, ठीक है। सोशल मीडिया के अन्य माध्यम में है, अगर किसी ग्रुप वगैरह में है तो समय समय पर चैटिंग के माध्यम से उनसे बात करें। लोकल में आपका है
तो जब भी कहीं भी मुलाकात हो रही है उनसे हाय हेलो नमस्कार करते रहे, शादी ब्याह निमंत्रण में आते जाते रहे, इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी बनती रहेगी और आप लोगों के उनके आप उनसे मिलेंगे, फिर उनके दोस्त से मिलेंगे, फिर उनके दोस्त से मिलेंगे, इस प्रकार से आपका चेन यानी लोगों के साथ संबंध बढ़ता जाएगा और जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उसी को प्रभावी नेटवर्क यहाँ पर कहा जाएगा। अपने संपर्क में रहें, मतलब अपने संपर्क में रहें, संपर्क मतलब अपने कॉन्टेक्ट से, अपने मतलब अपने लोगों से संपर्क में रहें। तो आपके कॉन्टेक्ट के जो लोग हैं अपने लोगों से संपर्क में रहें, इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए था, बट गूगल ट्रांसलेटेड है इसलिए उल्टा सीधा है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं कि आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, इसके पहले की क्लास दे सकते हो, इसके पहले की क्लास आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लगभग हर वीडियो मैं बताता हूँ शुरू के वीडियोज में, है ना। प्लस इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए और टेस्ट, तो आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर निःशुल्क फ्री मिल जाएगा, वहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो इन क्लासेस। यह वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिए, globalitii.org और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, छोड़ो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आप आ जाओ, ये वेबसाइट ओपन करोगे globalitii.org, गूगल में सर्च करोगे globalitii तो भी ये आ जाता है globalitii.org के नाम से। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आईटीआई कोर्स का, इस पर क्लिक करोगे तो फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी दिखेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि आप फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है, दोनों आपको शो करेगा। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए नीचे फर्स्ट ईयर है और ये ऊपर सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज पर आप आ जाओगे, इस पेज पर आप जैसे ही आओगे नीचे की तरफ देखोगे तो जैसे मेरी क्लास आज क्लास नंबर 8 है, इसके पहले अब क्या होगा, जब मेरी क्लास नंबर 8 अपलोड होगी यूट्यूब पर तो यहाँ पर पीडीएफ नंबर 8 भी अपलोड हो जाएगा। यानी क्लास वाइज क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मैंने क्या ऑर्गेनाइज कर दिया, जो क्लास आप मुझसे पढ़ रहे हो सेम टू सेम क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिले, इससे क्या होगा एकदम रिलेट कर पाओगे, जुड़ पाओगे आप, है ना। तो यहाँ पर क्लास वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाइए, सिलेबस में चैप्टर कौन से हैं उनका नाम हमने दे दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा बहुत ही जल्द, जो मॉडल सेट कहते हैं इसको, यानी इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, प्लस निमी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर अभी काम चल रहा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर मॉक टेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नया पेज ओपन होगा और इस पेज पर समय के साथ अपडेट हो सकता हो, जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक अपडेट भी हो गया हो, है ना। यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर टेस्ट 1, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई भी क्वेश्चन है उसको सही करिए, आगे क्वेश्चन पर क्लिक करिए, नेक्स्ट जाइए, और जैसे ही आप गलत करोगे तुरंत ये आपका क्या करेगा, रेट कर देगा, जैसे क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, मैंने आंसर दिया, अब मैं चाहूंगा अब इसको सही कर दूं तो यहाँ पे सही नहीं होगा, अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा। बहुत ही इजी इंटरफेस है, बहुत आसानी से चलता है, इस तरह की जो प्लानिंग है काम चल रहा है साइट पर। तो हो सकता हो आप जब वीडियो देख रहे हो उस समय आपको शायद अभी शुरुआत है, बाद में क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट में जो भी यहाँ पर अवेलेबल है सब देखने को मिलेगा। अब इसमें फायदा क्या है कि इसमें एग्जैक्ट 2 नंबर का एक क्वेश्चन रखा गया है, पासिंग मार्क भी वही रखा गया है जो ऑनलाइन परीक्षा में होने वाला है, तो यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आप जो जो आप ये कर रहे हो यहाँ से क्या कर सकते हो, पास हो सकते हो कि नहीं। मैं तो ऐसे मतलब अंदाजे से मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपको रिजल्ट तक दिखा सकूँ, रिजल्ट जाओगे तो क्या दिखाएगा, ठीक है। इस पर आपने किया, फिर सी रिजल्ट पर क्लिक करिए, सी रिजल्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये कैलकुलेट कर लेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है जो आपकी सीबीटी एग्जाम में होता है उसी हिसाब से दिखाएगा। देखो मैंने सिर्फ आंख बंद करके ही टिप दिया था तो भी 45% आ गया स्कोर, और 45% नहीं चाहिए, इसमें चाहिए होता 33%, कितना चाहिए होता पास होने के लिए 33%। लगा आपसे यार कि स्कोर अच्छा नहीं हुआ, फिर से रिस्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लगना है, फिर से रिस्टार्ट करिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हम हमेशा बेहतर आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। एक था ये थोड़ा सा मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को पता चल पाए इस चीजों के बारे में, इससे क्या होता है 2-3 काम एकदम होगा। कैसे होगा, एक तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया, सेम टू सेम मैंने आपको वही क्वेश्चन दिए पीडीएफ के रूप में और वही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही कोई तैयारी करेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग क्या होता है, कह रहे हैं नए दुश्मन बनाना नेटवर्किंग कहलाता है, कह रहे हैं कि आपका कंपटीटर कौन है मार्केट में उसको नेटवर्किंग कहते हैं, या फिर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आपने अपना एक अकाउंट बना लिया उसको नेटवर्किंग कहते हैं। नहीं,
मेकिंग कनेक्शन विद यही होगा मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, यानी आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर्स के साथ और नए नए बिजनेस के करने वाले लोगों के साथ दोस्ती बढ़ानी है, कनेक्शन बनाना है। जब भी कहीं मुलाकात हुई आपसे, पता चला हो सकता हो कि आप टीवी बेचते हो और एक बंदा होगा कोई, हो सकता है वो पंखा बेचता हो, तो आपको क्या करना है, बिजनेस करने वाले लोगों से भी कॉन्टैक्ट बनाना है, प्लस ग्राहक यानी नॉर्मल लोगों से भी कॉन्टैक्ट बनाना है जो आपसे सामान भी खरीद सके, प्लस बिजनेस वाले से क्यों बनाना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपनी दुकान पे आप बेचते हैं, क्या बेचते हैं आप, टीवी बेचते हैं, ठीक है, आप बेचते हैं टीवी और ये दूसरे बिजनेस वाले हैं बंदे, ये बेच रहे हैं पंखा, एग्जाम्पल के लिए है। आपके पास कोई कस्टमर का आया, बोला कि भैया मुझे टीवी चाहिए प्लस पंखा भी चाहिए, अब ऐसे में क्या होगा कि वो जो आपका दूसरा दोस्त है बिजनेसमैन वो काम आ जाएगा, आप ग्राहक को बैठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, तब तक फोन कर देंगे और वो भिजवा देगा, तो एक तरह से दूसरे बिजनेस वाले बंदों से भी आपका टाई अप होना चाहिए, मतलब उनसे भी जान पहचान और नेटवर्क होना चाहिए, साथ में नए नए कस्टमर्स को और लोगों से कनेक्शन बनाते रहना चाहिए, मेकिंग कनेक्शन, मतलब सब मिलाकर हमेशा नए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, उसी को कहते हैं हम नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब हमेशा नए नए लोगों से मिलते रहना और उनको उनसे जुड़ने की कोशिश करना, उनको अपना नंबर दे देना, अपना कार्ड दे देना, जैसे कार्ड बनाए होते हैं ना लोग अपनी कंपनी का, उस पर डिटेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, प्रोडक्ट का दो चार फोटो वोटो लगाए रहते हैं, तो समय किसी मुलाकात होगी, अरे कैसे ऐसे हाल चाल, कहीं शादी पार्टी में, मतलब आपको जहां भी मौका मिले वहां लोगों से जुड़े, लोगों से जुड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है, ठीक है। चलिए टैगलाइन क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है टैगलाइन इज, टैगलाइन होता है, टैगलाइन क्या होता है, यह एक प्लास्टिक का टैग होता है जिसे आप अपने सामान के साथ जोड़े रहते हैं, जैसे वो प्लास्टिक का टैग नहीं लगा रहता, शर्ट वर्ट नहीं खरीदो तो यहाँ से उस पर लटका रहता है 999 रुपए, तो वो नहीं, उस टैग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है ना, तो उस टैग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस टैग की बात कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। मेमे आजकल देखते ना, मेमे या जो भी मीम कहा जाए, आजकल बड़ा मजाक नहीं बनता है, कभी कोई कुछ बोल देता है तो उसका उसके उल्टा साइड फोटो लगा लगा के और दो एक दो लाइनें लिख लिख के खूब मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पे, तो वो टैगलाइन नहीं होता, कोई मजाक कर रहा है या कोई मजाक या कोई जोक, ये भी टैगलाइन नहीं होता। टैगलाइन क्या होता है, वो आपके बिजनेस के बारे में बताता है, एक बहुत ही आसान सा टैगलाइन है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ जिसे आप तुरंत समझ जाओगे टैगलाइन होता क्या है। जैसे आपने LIC का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कराते हैं कि भैया हर साल या हर महीने आप इतना जमा करो, 5 साल बाद 10 साल बाद इतना मिलेगा, ये तो बताते हैं 10 साल बाद इतना मिलेगा, लेकिन एक चीज वो बार बार बताते हैं कि अगर आप निपट लिए, स्वर्ग सिधार लिए, तो आपको कुछ नहीं देना है, आपके परिवार को इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, एक तरह से वो क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो उनका जो टैग लाइन है, उनके बिजनेस का जो टैग लाइन है, वो नीचे लिखा रहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी वह आपके बिजनेस के बारे में इंगित करता है, बताता है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। तो जो LIC लिखता है नीचे लाइन ना, आप जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो क्या है, वही टैग लाइन कहलाता है, यानी आपका बिजनेस क्या है उसके बारे में हिंट करने वाली लाइन, वो टैग लाइन कहलाती है। अब ऐसा तो है नहीं सबको पूरा 4 पेज की कहानी लिखोगे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो सिंपल से 2 लाइनें, मतलब 2-4 शब्दों का एक टैगलाइन बना दिया जाता है, जो यह दिखाता है कि आप क्या करते हैं या किस बारे में आपका बिजनेस है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर सी सही होगा, और सबसे बढ़िया सर एग्जांपल मैंने LIC का दे ही दिया है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का मतलब, जिंदगी रही आपकी तब भी पैसे देंगे और नहीं रही तब भी पैसे देंगे, ठीक है। तो ये होगी भाई बात, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ यू वॉन्ट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन ईजी वे, यू विल, कह रहे हैं कि आप अपने आप लोगों को, मतलब आप दूसरे लोगों को अपने बारे में और आप जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में सही जानकारी देना चाहते हैं, वो भी आसान तरीके से, तो आप क्या करेंगे। देखिए भाई, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेसमैन हैं और लोगों से मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप मिलेंगे तो कोशिश करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात किया था कि नेटवर्क बनाने की, यानी बातचीत करने की, बातचीत करते समय खुद का परिचय देना, साथ ही अपने बिजनेस का परिचय देना होता है, ठीक है। अब ऐसे में हमें सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम अपना एक कार्ड बनवा लें,
ज्यादातर आपने देखा होगा जैसे LIC के भी जो होते हैं एजेंट, जो लोग LIC कराते हैं या फिर अन्य भी बैंक वगैरह के भी लोग होते हैं, तो अपना एक आई कार्ड बनवाए होते हैं, उसमें अपने कंपनी का नाम लिखे होते हैं, अपना नाम लिखे होते हैं, अपना पद का नाम लिखे रहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एड्रेस ये सब लिखे रहते हैं और दे देते हैं कि सर ये मेरा कार्ड है, कभी आपको कोई सेवा की जरूरत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। तो क्या होता है सबसे आसान तरीका? सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम क्या करें, उन्हें अपना कार्ड दे दें। उन्हें क्या करें, उन्हें अपना कार्ड दे दें। अब किसी से आपकी मुलाकात हुई, आप उससे थोड़े ही कहोगे कि भैया हमको गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, या फिर आप ये कहोगे कि मेरा, मैं भाई मारुति में काम करता हूं, कभी आपको गाड़ी लेना है तो मुझसे मिल लेना। वो भूल जाएगा आदमी, घर जाएगा तब तक भूल जाएगा, रास्ते में उसको टाटा वाला मिल गया, हुंडई वाला मिल गया, कितने लोग मिलेंगे दिन भर में ना, तो भूल जाएगा। अब पेपर और पेन तो आप हमेशा लेके घूमोगे नहीं जेब में कि अब मैं पेपर रखा हूं, अरे अरे रुकिए रुकिए, फिर अपने कंपनी का अपना नाम हम लिखे उसके बाद लिख के देंगे भैया ये पेपर लीजिए इसको रखिए संभाल के, नहीं। आप कार्ड देते हो ना, तो मैंने देखा है ज्यादातर, इवन मैं भी, मेरे पास कोई आता है कभी, कोई बुक्स वाले लोग आते हैं जो बुक्स सेल करना चाहते हैं तो अपना कार्ड दे जाते हैं, सर कभी बुक्स की जरूरत है, या फिर कभी कोई एल्युमिनियम फिटिंग वाला आ गया, कभी कोई कोई भी हम काम करवाते हैं तो दुकान वाले या शॉप वाले अपना कार्ड दे देते हैं, कहते भैया ये हमारा कार्ड है, ये नंबर है, कभी आपको जरूरत हो। अब तो ऐसे कार्ड हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉअर में रखते रहते हैं, रखते रहते हैं, कभी कभी किसी काम की दोबारा जरूरत पड़ जाती है ना, जैसे इंटरनेट वाला हो गया, किसी तरह से कोई सर्विस वाला बंदा हो गया, AC वाला हो गया, तो उसका कार्ड हम लोग रख लेते हैं। तो वो सबसे आसान तरीका होता है कस्टमर के लिए भी और जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी। तो क्या सबसे आसान तरीका है कि अपना जो बिजनेस कार्ड है उनको आप भैया दे दो और कह दो कि सर मेरा ये बिजनेस है, ये कार्ड रखे, कभी जरूरत हो तो हमें याद करिएगा। तो सबसे आसान तरीका है, यही पूछ रहा था, ठीक है। चलिए, अनीता स्टार्टेड, अब था लिखा है, हम तो पढ़ रहे हैं, अनीता स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो अनीता ने एक अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, शिल्प व्यवसाय, मतलब हाथ से कुछ कढ़ाई बुनाई टाइप का बैग वैग या हैंडीक्राफ्ट आइटम वो बना रही है, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, इंस्टाग्राम पर उन्होंने पेज शुरू किया और जो भी ये प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का फोटो वहां पर पोस्ट कर रही है। तो अब इस मार्केटिंग, एक तरह से वो मार्केटिंग कर रही है ना, तो किस प्रकार की मार्केटिंग कहलाएगी? देखिए भाई, मार्केटिंग दो प्रकार की, एक होती है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में और लोगों के बीच माइक पर बुलवाते हैं, जैसे आप नहीं देखोगे लोकल मार्केट में जाते हो तो एक ऑटो रिक्शा चल रहा होता है, दोनों तरफ बैनर चल लगा होता है और 1000 रुपए की छूट, 1500 की शॉपिंग पर, 200 रुपए का टिफिन मुफ्त, तो इस तरह की वो सब प्रमोशन करते रहते हैं ना, तो वो भी क्या है, प्रचार ही है, लेकिन वो क्या है, ऑफलाइन है। और कुछ प्रचार इस प्रकार के होते हैं कि लोग माउथ टू माउथ करते हैं, मतलब कोई एक बंदा आपको मिलेगा कहेगा अरे वहां सेल लगा हुआ है, फिर वो अगले से मिलेगा बोलेगा अरे वहां सेल लगा हुआ है, माउथ टू माउथ भी होता है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग क्या कहलाती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। अब आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगी। तो ये भी क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पेज बनाया इन्होंने और यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ये मार्केटिंग शुरू की है। तो मार्केटिंग किस चीज का, अपना जो बिजनेस शुरू की है उस बिजनेस का। तो भाई ये कौन सी मार्केटिंग हो गई, ये ऑनलाइन मार्केटिंग हुई। टैगलाइन अभी मैंने बताया था कि जो आपके बिजनेस के बारे में बताता है, दो लाइन में या एक शब्द में या चार शब्द में एक छोटी सी लाइन होती है जो आपके बिजनेस के बारे में बताती है। पोस्टर बैनर तो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में हो सकता है। नेटवर्किंग क्या होता है, लोगों से जुड़ना, मिलना, नए नए लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना, वो नेटवर्किंग होती है। तो फिलहाल ये क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, मानव संसाधन क्या है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स मतलब संसाधन। अगर हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, हम देखिए मैंने आज कहा था आपको टोटल क्वेश्चन आपसे बिजनेस रिलेटेड बनने वाला है। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। रिसोर्सेज में बहुत कुछ आता है। रिसोर्सेज में इनिशियल स्टेज पर सबसे ज्यादा क्या आता है भैया, पैसा, पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन, लोग चाहिए, मशीनरी चाहिए, ठीक है, मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल चाहिए, जिससे आप कोई सामान बना के बेचना चाह रहे हो। जैसे मान लो आप प्लास्टिक की चेयर बनाकर, चेयर का एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हो जहां पर प्लास्टिक की चेयर बनाओ, प्लास्टिक की चेयर बनाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फैक्ट्री के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, काम करने वाले लोग चाहिए होंगे, मशीन चाहिए होगा जो नॉर्मल प्लास्टिक आप लाओगे उसको पिघलाएगी और प्लास्टिक की चेयर के रूप में उसको बनाएगी,
फिर बिल्डिंग चाहिए होगी, वो जगह चाहिए होगी जहां पर आप अपनी कंपनी लगाओगे, उसके बाद रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, यानी वो प्लास्टिक चाहिए होगा जिस प्लास्टिक को आप पिघला कर ये बनाने वाले हो। तो ये सब क्या है, ये सब संसाधन है, रिसोर्सेज है जो हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स कौन से होते हैं, आपके पड़ोसी नहीं होते, क्योंकि आपके पड़ोसी आपके बिजनेस में नहीं काम करते हैं, ठीक है, आपके ग्राहक नहीं होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ना ही आपके कंपटीटर होते हैं। कंपटीटर मतलब जो आपका क्या हो, आपके आप जो बिजनेस कर रहे हो वही बिजनेस दूसरा भी कर रहा हो, वो आपका कंपटीटर हो गया, जो आपका मतलब, अरे आपकी क्लास में भी कंपटीटर होंगे भाई, कि टॉपर वाली लिस्ट में दो लोगों की लड़ाई होती है, उसका 90 आ गया, मेरे 91 लाना है, दो लड़के होंगे तेज, दो लड़के तेज होंगे पढ़ने में, दोनों एक दूसरे का कंपटीशन करते होंगे, तो वही यहाँ पर बात हुई कंपटीटर की। तो ये लोग नहीं होते, आपके एक कंपनी में काम करने वाला स्टाफ, इंप्लॉई और दूसरे हेल्पर, ये सब लोग मिलाकर क्या कहलाते हैं, ये सब लोग मिलाकर कहलाते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। भाई आपकी कंपनी में जो स्टाफ होंगे अलग अलग पद पर, कोई इंप्लॉई होगा और मतलब कोई मैनेजर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई हेल्पर होगा, कोई मशीन ऑपरेटर होगा, कोई गेटमैन होगा, चौकीदार होगा, प्यून होगा, तो अलग अलग पद पे ये लोग होंगे ना, इंसान होंगे ना, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, तो ये ह्यूमन, तो ये जो लोग हैं यही कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, ठीक है। अलग अलग संसाधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स कौन से है, मानव संसाधन कौन से है, तो ये जो लोग हैं भाई आपकी कंपनी में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं वही मानव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिसोर्स नहीं है, इसमें से ऐसा क्या है जो रिसोर्स नहीं है। देखिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, देखो कोई चीज आप रॉ मटेरियल लाओगे तभी तो उसको कोई किसी रूप में बनाओगे, इसी को फिर कुछ और बनाओगे, किसी रूप में प्रोडक्ट बनाओगे, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना। मान लो आप आइसक्रीम बनाना चाहते हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, तो चीनी, दूध और जो कुछ भी पड़ता हो वो सब क्या कहलाएगा, कच्चा माल। वो आप लाओगे, उसको पकाओगे, आइसक्रीम बनाओगे, ठीक है। ग्राहक डेटाबेस, ग्राहकों की लिस्ट, ग्राहकों की लिस्ट भी बहुत जरूरी है कि भाई आप, आपके पास जितने ज्यादा ग्राहक होंगे ये एक रिसोर्सेज है। क्या है ये सब रिसोर्सेज हैं, पूछ रहा है कि बिजनेस के लिए इसमें से कौन सा रिसोर्स नहीं है, तो ये रिसोर्सेज हैं। आपके पास ग्राहक रहेंगे तभी तो आप उनको बेच पाओगे। प्रॉफिट ऑन, आप जो पैसा कमाओगे वो भी आपके संसाधन के रूप में होगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट ऑन करोगे तो उसको दोबारा लगाओगे और दोबारा लगाओगे तो क्या करोगे, बिजनेस को और बढ़ाओगे, तो ये सब तो आपके क्या होंगे, बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आप सैलरी वगैरह दोगे, बिजनेस बढ़ाओगे। और ग्राहक डेटाबेस मतलब ग्राहकों की लिस्ट, कितने ग्राहक आपके पास हैं। ज्यादातर आप देखते हो जब भी किसी शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने जाते हो तो आपका मोबाइल नंबर नाम पूछते हैं और फीड कर लेते हैं, और महीने हफ्ते पर मैसेज करते रहते हैं कि स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, और वही मैसेज 10,000 लोगों को भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राहकों की लिस्ट है। ये सब तो हमें चाहिए बिजनेस के लिए, लेकिन जो भाई आपका बिस्तर है ना, आपका जो बिस्तर है ना, उस बिस्तर से आपका कोई बिजनेस नहीं चमकने वाला, ना ही इस बिस्तर से कोई बिजनेस होता है। आपको लगता है अगर बिस्तर से कोई बिजनेस हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल मेरे हिसाब से ये कोई रिसोर्स नहीं है, यानी ये वो चीज है जिसके थ्रू बिजनेस नहीं किया जा सकता, या फिर कहा जाए कि इसका हमारे बिजनेस में कोई योगदान नहीं है, बाकी चीजों का योगदान है। यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा बिजनेस के लिए रिसोर्स नहीं है, यानी संसाधन नहीं है, तो बिस्तर जो हमारा है वो कोई संसाधन नहीं है, ये सिर्फ हमें आराम दे सकता है, पैसा कमा के नहीं दे सकता, यह पैसा कमाने में हमारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आंसर डी यहां पर। आगे चलते हैं, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ यू हैव, देखो कह रहे कि अगर आपको कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा है, अगर आपको भरोसा है अपनी क्षमताओं पर, अपनी क्षमताओं पर, और कॉन्फिडेंस मतलब भी भरोसा, ट्रस्ट भी भरोसा, थोड़ा सा ही फर्क है, और आपको खुद पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है,
तो आपके अंदर क्या है, क्या आप खुले विचार वाले व्यक्ति कहलाएंगे या फिर आप सक्रिय व्यक्ति कहलाएंगे या फिर आप आशावादी व्यक्ति कहलाएंगे? नहीं, आप क्या कहलाएंगे? यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, आपको खुद पर विश्वास है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन और आंसर दोनों सेम है, बस शब्दों का फेर है। क्वेश्चन में कह रहा है जब आपको अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, तो इसका मतलब आपको किस पर विश्वास है? भाई आपको अपने आप पर ही तो विश्वास हुआ। जब आपको अपनी क्षमताओं, अपनी क्वालिटीज पर विश्वास है, तो सिंपल सी बात है कि आपको किस पे विश्वास हुआ? आपको अपने आप पर विश्वास हुआ। यहाँ पर खुली माइंडसेट या फिर आप कितने एक्टिव हैं या कितने आशावादी हैं, कितना पॉजिटिव है, इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। इसके आगे क्या लिख जाएगा? यू हैव बिलीव, ठीक है, यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, ये सेंटेंस हो जाएगा इस प्रकार से पूरा, ठीक है, आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, कह रहे हैं कि आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। देखो कुछ लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा होगा, कुछ लोग एक उम्र के बाद नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं, कहते हैं बस भैया हमें जितना करना है हमने कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को जीवन जीने का शौक होता है, वो हर पड़ाव पर सीखते रहते हैं, वो अपने उम्र के हिसाब से सीखना नहीं छोड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा, आप अपने आसपास नजर मारना, कुछ 50 से 60 साल के कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज भी कीपैड मोबाइल यूज कर रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा ना, हाँ ये स्क्रीन टच वॉच मेरे बस का नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। उन्होंने अपने आप को रोक लिया, कहा कि अब मैं इसको नहीं सीखूंगा। लेकिन आप देखोगे 50 से 60 के बीच के बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे आपके आसपास, जिनके जमाने में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, फिर भी वो इंस्टाग्राम पे टकाटक रील देखते रहते हैं। क्या है? लर्नर। कुछ लोग होते हैं समय के साथ हमेशा सीखते रहते हैं, वो उम्र के साथ अपने जो सीखने की क्षमता उसको रोकते नहीं है। उनको जब मौका मिलता है, जब जो चीज मिलती है, समय के साथ वो खुद को अपडेट रखते हैं। सिंपल सी बात कहा जाए, समय के साथ सीखते रहने का यही मतलब है कि आपको ये उम्र नहीं देखना है, नहीं कि भाई मैं छोटा हूं, जब मैं 20 साल का हूं तभी पढ़ाई करूंगा, उसके बाद नई चीजें नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं लाइफ लॉन्ग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है। तो उससे क्या होगा, ढेर सारा पैसा बनाने के लिए वो सीखते हैं, या फिर उनकी जो लाइफ है वो लंबी हो जाएगी, यानी 50 साल जीना था वो 100 साल जीने लगेंगे, इससे क्या होगा? या फिर उनको PhD मिल जाएगी कि भाई लगातार वो सीखते रहेंगे तो उनको PhD की डिग्री दे दी जाएगी कि अरे यार तुम तो हमेशा सीखते ही रहे जिंदगी भर। नहीं, इससे क्या होगा, वो अपना अपने को क्या करते हैं, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्नर होने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने नॉलेज को समय के साथ हमेशा बढ़ाता रहता है। जैसे मैंने अभी बोला ना, कुछ लोग कीपैड फोन पर खुद को रोक लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग एंड्रॉयड भी यूज कर रहे होंगे, जो पहले के जमाने के हो गए, यानी पुराने जनरेशन के हो गए, 50 साल से पहले के जो लोग हैं वो पहले पुराने जनरेशन के हो गए। जैसे 20 साल बाद मैं दूसरे जनरेशन का हो जाऊंगा, मेरे बाद एडवांस पीढ़ी आ जाएगी, है ना, तो वही चीज है। तो ऐसा है कि अगर आप लगातार क्या कर रहे हो, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर होने का मतलब ये है कि आप अपने नॉलेज को हमेशा ग्रो करते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, प्लस नई नई चीजें सीखते रहते हो। यानी सिंपल सा बोला जाए, वह व्यक्ति जो लगातार अपने नॉलेज को समय के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहता है, नई नई चीजें सीखता रहता है, उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल हो गया भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ बेनिफिट फॉर बीइंग लाइफ लॉन्ग लर्नर, अब हमने ज्ञान तो दे दिया कि लाइफ लॉन्ग लर्नर क्या होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्नर होने का फायदा क्या है? आजीवन शिक्षार्थी बने रहने का मतलब हमेशा स्टूडेंट की तरह सोच रखना, हमेशा नई चीज सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो इसका फायदा क्या, इसका फायदा क्या है? यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, क्या आप फेमस हो जाओगे कि नहीं, अरे बहुत ज्यादा, ये तो जिंदगी भर सीखते ही रहे। नहीं भाई, ढेर सारे दोस्त बन जाएंगे कि अरे क्या बात है, ये तो बहुत सीखते हैं, चलो इनके दोस्त बन जाते हैं। नहीं, क्या आप फिजिकली फिट हो जाओगे, एकदम डोले सोले बन जाएंगे 70 साल की उम्र में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप क्या होगा, आपके पास अनुभव और ज्ञान ज्यादा होगा, तो जब भी कोई आप डिसीजन लोगे आप सही ले पाओगे दूसरे व्यक्ति के कंपेरिजन में आप ज्यादा सही डिसीजन ले पाओगे। अब जैसे मैं बताऊं, अभी एक एग्जाम्पल बता देता हूं,
कई बार क्या होता है, कुछ लोग जब रिटायरमेंट आते हैं घर पर, भाई मान लो काम किया उन्होंने, ठीक है, 50 साल 60 साल में रिटायर हुए, उनके पास 10-20 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोगों को मार्केट में कुछ जालसाज टाइप के लोग पकड़ते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास 10 लाख है, मुझे दो, मैं तुम्हें 2 साल में दोगुना करके दे दूंगा। क्योंकि वह नई चीजें और नए जो साइबर क्राइम और जो इस अपराध या मार्केटिंग, आजकल की जो फर्जी मार्केटिंग या इस तरह की स्कीम है, वह इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं थे, ना ही वो न्यूज़पेपर देखते थे, ना इन चीजों के बारे में जानने सीखने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में क्या होगा, वो फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे, वो नहीं सही डिसीजन ले पाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भैया ये तो कह रहा है तो इसको पैसा दे ही देते हैं, पैसा बढ़ा देगा। जबकि अगर वही लर्नर यानी सीखने वाला व्यक्ति होगा तो वो इन चीजों से अवेयर होगा, उसको पता चलेगा कि बहुत से मार्केट में बैठे लोग आपसे पैसा लेकर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के नाम पर फ्रॉड करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग चेन मार्केटिंग इसको जोड़ो उसको जोड़ो इसके नाम पर फ्रॉड करते हैं, कुछ लोगों को पैसा मिलता है, कुछ लोगों को पैसा डूब जाता है। तो यह सब धोखा आपके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लगातार इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये 10 लाख मुझे लगाना है उधर कि नहीं लगाना है, बस यही फर्क होगा। आप अगर लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं, मतलब हमेशा सीखने वाले व्यक्ति हैं, तो कोई भी जब निर्णय या डिसीजन लेने जाएंगे तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, किसी के बहकाव में नहीं आओगे आप, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, कोई आ गया। एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, कह रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्निक है आगे बढ़ रही है, अपडेट हो रही है, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए भाई, टेक्निक अपडेट का सबसे सीधा सा सादा सा आसान जो एग्जाम्पल आपको भी समझ में आ जाएगा, एक टाइम ऐसा था जब आपको कोचिंग क्लासेस के लिए किसी एक जगह पर जाना होता था, टाइम फिक्स होता था और उस जगह पर 50-100 लोग जा सकते थे, कोई आपके घर से बहुत दूर था, जगह जगह कोचिंग पढ़ाई जाती थी और लोग जाते थे। आज क्या है, आज क्लासेस आपके मोबाइल फोन पर है, इतनी सुविधा है कि जब चाहे तब देख सकते हो आप, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो आप। ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी का परिवर्तन ही तो है। तो ये पूछ रहा है कि अब और भी चीजें हैं, जैसे पहले रेलवे की जो टिकटें थी या एरोप्लेन वगैरह या सब जो टिकट थी वो सब सिर्फ काउंटर पर ही मिलती थी, आज आप घर बैठे ऑनलाइन भी बुकिंग कर पाते हो। बहुत सी चीजें थी, सामान आज आपके घर पर आ जा रहा है, मोबाइल फोन घर बैठे खरीद ले रहे हो आप, फ्लिपकार्ट अमेजन और ऐसी वेबसाइट में आपके घर तक पहुंचा। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, पहले सिर्फ नॉर्मल फोन पर बात करना मुश्किल था, आज लोग वीडियो पे हे करके एक दूसरे के शक्ल देख के मजे से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है ना। इसी तरह से मशीनरीज अपडेट हो रही है, पहले जो गाड़ियां थी वो क्या था, 200-400 किलोमीटर चलना उसके लिए मुश्किल था, 50-100 किलोमीटर चलने के बाद इंजन गर्म हो जाता था, खड़े हैं बोनट खोल के बैठे हैं, ड्राइवर गया पानी लेने, पहले की मूवीज में दिखाता था। आज की गाड़ी है, आप एक लगातार 1000-1500 किलोमीटर चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो जब टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो हमारे काम करने का तरीका क्या है, जैसे पहले था वैसे ही बना रहेगा, या हम बदलने से इनकार कर देंगे कि नहीं भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, नहीं, या फिर हम खत्म हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी परिवर्तन के साथ चलेंगे। हमें भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन के साथ गुजरना पड़ेगा। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता था सिंपल बोर्ड पर पढ़ाता था, मार्कर और एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, उससे पढ़ाता था। फिर समय की मांग, बच्चों की मांग को देखते हुए फिर मैं प्रोजेक्टर पर पढ़ाना शुरू किया। प्रोजेक्टर को पढ़ाते समय फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चों की मांग और टेक्नोलॉजी अपडेट हुई और फिर डिजिटल बोर्ड आने लगे। पहले बहुत ज्यादा महंगा था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर लगभग हमारी रेंज में आया किसी तरह से, तो हमने डिजिटल बोर्ड लिया। फिर डिजिटल बोर्ड को भी फिर हम मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते थे, भाई एक आदमी पहले बैठ के मोबाइल स्केच करता था, वो थोड़ा सा ट्राइपॉड इधर हिल गया, थोड़ा उधर हिल गया, तो कभी इधर कट रहा है कभी उधर कट रहा। फिर क्या किया हमने, धीरे धीरे समय के साथ कैमरा लगाया, फिर कुछ क्लासेस हमने बाद में, पहले सिर्फ रिकॉर्ड करते थे, फिर पहले तो चेहरा भी सामने नहीं लाते थे। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के साथ
हम लोग चल रहे हैं और आप चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है हमें भी खुद को बदलना होता है, नहीं तो क्या होगा, अगर आपको खुद को नहीं बदलोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। जैसे अगर कोई कहे, कोई आपके साथ का है आईटीआई कर रहे हैं, दो लड़के दो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, एक है जो आईटीआई तो कर रहा है साथ में साथ दूसरी चीजें भी सीख रहा है, जैसे हो सकता है कोई कंप्यूटर सीख रहा हो सकता हो कोई सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख रहा हो, कोई कैड कैम सीख रहा हो, तो जो एक्स्ट्रा स्किल सीख रहा है कहीं ना कहीं सिंपल वाले से तो आगे ही जाएगा। तो वही चीज है कि अगर आप अपडेट करोगे, कुछ भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो हमें भी समय के साथ अपडेट होना। पहले क्लर्क वगैरह क्या होता था, रजिस्टर कॉपी पेन से काम करते थे, कंप्यूटर आ गया अचानक से, बहुत लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर आया और साथ के साथ मेहनत किया, कंप्यूटर को भी सीख लिया, उनकी नौकरी आज भी बरकरार है। तो यही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका भी क्या है, परिवर्तन से गुजरेगा, और उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और खुद को भी परिवर्तित करते रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि कोई एक सामान है जिसकी गुणवत्ता को एक निश्चित लेवल पर बनाए रखना क्या कहलाता है। देखिए पार्ले जी बिस्किट का अगर आप बात कर लो, तो आज से जब मैं बचपन में, मेरा बचपन रहा होगा आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, जब मैं छोटा था तो पार्ले जी का जो टेस्ट था वही पार्ले जी आज भी वैसा ही खाने में लगता है। एग्जाम्पल है, कोई प्रमोशन नहीं है, पार्ले जी वाले पैसा नहीं दिए मुझे ठीक है। तो भले ही उन्होंने क्या किया, समय के साथ महंगाई बढ़ी तो जो पहले 4 रुपए में इतना बड़ा बिस्किट मिलता था, इतना बड़ा पैकेट, उस 4 रुपए वाले को ऐसे सरकाते कम करते गए और आज जो है 5 रुपए का शायद छोटा सा मिलता है, अभी तो मैंने बहुत दिनों से खाया भी नहीं। फिर भी जो टेस्ट था उसको वही मेंटेन है आज से जो 20 साल पहले, जो पार्ले जी खाने में जो टेस्ट आता था, चाय में छोड़ो, हम लोग पानी में डुबो कर खाते थे, बिस्किट खरीद के लाए पैकेट का, उसके बाद पानी में डुबोना शुरू खाना, वो अलग ही आनंद था, वो भी जीवन का अपना आनंद था। तो वो ही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर एक क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप लगातार मेंटेन रखे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। क्या कहते हैं भाई, स्थिरता। जैसे मानता हूं कि हमारे जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मान लो प्रदूषित हो गया, कितना परसेंट प्रदूषित हो गया, 10% प्रदूषित हो गया, लेकिन अगर हम मेहनत करके इसी 10% पर इसको रोक कर रखें, इसको और बढ़ने ना दें, अब 9 तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना ये खराब हो चुका है, लेकिन हम इतनी मेहनत करें कि 10% से ज्यादा प्रदूषित ना होने दें, खराब ना होने दें, तो क्या कहलाएगा, हम मेहनत कर रहे हैं उसको सस्टेन करने का, स्थिर रखने का। तो वही चीज है यहाँ पर कि किसी प्रोडक्ट या किसी सामान के क्वालिटी को एक लेवल पर मेंटेन रखना वो कहलाता है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी की समस्या सॉल्व करना, इंटरेक्शन मतलब भी बातचीत ही होता है, दो लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी इंटरेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका हो गया सस्टेनेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, फॉर करियर ग्रोथ, हमें अपने करियर ग्रोथ में मतलब हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करना है, वी नीड टू बिल्ड, हमें जरूरत पड़ेगी। कह रहे हैं कि करियर ग्रोथ के लिए और हमें की जरूरत है, क्या ऐसी दो चीज है, करियर ग्रोथ और स्थिरता। स्थिरता मतलब समझ रहे हैं, पहले तो यहां पर आ जाएगा स्थिरता, यहां पर क्या आएगा, स्थिरता। मैं आपको लिख देता हूं फिर समझाता हूं, स्थिरता और हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कौशल, ठीक है, फॉर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी नीड टू बिल्ड स्किल्स। देखो अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो अगर दो लोग थे, ए भाई थे बी भाई थे, दोनों थे क्लर्क, जॉब में थे दोनों लोग, किस लेवल पर थे, एक लेवल था इनका, क्लर्क के पोस्ट पर थे। अब क्या हुआ, एक नई चीज आ गई मार्केट में, आ गया कंप्यूटर आ गया, हर ऑफिस में लग गया कंप्यूटर। तो ए वाला बड़ा होशियार बंदा था, इसने नई स्किल सीख ली, इसने क्या किया, नई स्किल सीख ली, और नई स्किल में इसने क्या सीखा, इसने कंप्यूटर ऑफिस सीख लिया, कंप्यूटर यूज करना सीख लिया, और ये भाई साहब कुछ नहीं किए,
ये डू नथिंग कुछ नहीं किया इन्होंने। अब क्या होगा, ये पहले भी क्लर्क था आज भी क्लर्क है, लेकिन ये क्या होगा, या तो ये नौकरी से बाहर, या तो नौकरी से बाहर, या तो इनको क्लर्क से हो सकता हो कि और नीचे कोई पोस्ट हो तो उस पर डिमोट कर दिया जाए। यानी अपने हमें अपने करियर में अपने को स्टेबल रखना है। जैसे मान लो आज हम एक पद पर हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम एक टीचर के पद पे हैं, उदाहरण के लिए, मैं तो हूँ नहीं फिलहाल, तो अगर आप एक पद पर हैं, उस पद को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको समय के अनुसार अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना होगा। अगर आप अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप टीचर से फटीचर हो जाओगे, मतलब डिमोशन हो जाएगा आपका, ये काम आपका छिन सकता है या फिर आपके हाथ से जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन भी यहाँ पर चुनना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, यानी सस्टेनेबिलिटी पहले आएगा, और क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू स्किल्स सीखते रहना पड़ेगा। ऐसे में आपका आंसर देखिए, वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स मैंने यहाँ पर देखो लिखा था, न्यू स्किल्स, ठीक है, न्यू, क्योंकि भाई पहले से आप कोई काम जान रहे थे लेकिन समय परिवर्तित हो रहा है, तो जरूरी है कि नई नई चीजें भी हम सीखते रहे। तो ऐसे में आपका आंसर डी सही होगा, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक क्लर्क वाला जो है वो है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या जरूरत है हमें अपने करियर ग्रोथ में, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी हमारे हाथ से ना जाए, तो हमें लगातार नए कौशल्स जो है बनाए रखना, बनाए यहाँ पर बनाने की जरूरत है, मतलब सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी वॉन्ट टू सस्टेन, अगर हम स्थिर रहना चाहते हैं, वी शुड नॉट इट, ठीक है, अगर हम अपने को एक लेवल पर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे नहीं रखना चाहिए। क्या, किसकी बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोल्यूशन की बात किया था, तो वही बात कर रहा है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहते हैं, अगर हम पता नहीं अभी स्पेलिंग भूल गया, यहां पे देख लेते हैं, सही जा रहा था मैं, अगर हम इन्वायरमेंट को एक लेवल पर बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्रदूषित नहीं करना पड़ेगा, डू नॉट पोल्यूट, शुड नॉट पोल्यूट इट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी का एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमारा, मान लो यार पहले से प्रदूषण तो है ही और हमारा जो वातावरण है प्रदूषित हो रखा है, एक लेवल तक हो रखा है ना, लेकिन अगर उस लेवल, तो कम से कम उस लेवल को तो बनाए रखें। जैसे खराब तो हो गया, जैसे मेरी आई साइड वीक है, मेरी आंखें कमजोर है, मैं दूसरे की अपेक्षा कम देख सकता हूँ, लेकिन उसी लेवल को बनाए रखने के लिए मैं इस चश्मे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ना लगाऊं या ना लगाता तो मेरी लगातार रोशनी कम होते जाती, बहुत कम हो जाती, पता नहीं कितनी कम हो जाती। तो वही चीज है यहाँ पर कि हमें, यहाँ पर देखिए कौन सा सही आंसर आपको मिल जाएगा, कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं उस लेवल तक जहां पर वो है, तो उसके लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना पड़ेगा, प्रदूषित नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर, कह रहे कोई व्यक्ति प्रमोशन पा सकता है अपने इस पर और इस पर आधारित, मतलब अगर किसी को प्रमोशन मिलेगा तो उसके दो चीजों पर आधारित रहेगा, एक आधारित रहता है उसके क्वालिफिकेशन पर और दूसरा आधारित रहता है उसके एक्सपीरियंस पर। एग्जाम्पल उदाहरण पे नहीं आधारित रहेगा वो, कि बढ़िया बढ़िया, या तो पर्यावरण पे उसका करियर जो है, उसकी नौकरी जो है, कोई नौकरी में उसको प्रमोशन मिल रहा है तो उसमें पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है, उदाहरण का कोई लेना देना नहीं है, और नन से कोई लेना देना नहीं है, क्या उसकी योग्यता और अनुभव। तो आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं, कई बार आप किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हुए लोगों को देखते हैं तो कहते हैं, यार मेरे पास एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया, काश मेरे पास आईटीआई का सर्टिफिकेट रहा होता तो मेरी सैलरी बढ़ जाती, मेरा प्रमोशन हो जाता। यानी दो चीजें मायने रखती हैं, एक आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस कितना है, इसी के बेसिस पर क्या होता है, इसी के बेसिस पर प्रमोशन होता है। ठीक है, चलिए। Only when we learn to how work will be done in the future, we can ourselves for those changes. कह रहे हैं कि जब हम
भविष्य में काम कैसे करेंगे यह सीखना तभी होगा। उन परिवर्तनों के लिए स्वयं को हम क्या कर सकते हैं, स्वयं को हम तैयार कर सकते हैं। जैसे भाई सिंपल सी बात है, भविष्य में चीजें बदलेंगी। जैसे पहले कौन जानता था कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, भविष्य में क्या होने वाला है उसका हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें अनुमान लगाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो व्हेन वी लर्न टू प्रेडिक्ट, ठीक है, प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर, लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। व्हेन वी लर्न, अगर हम यह सीख जाएं प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना कि भविष्य में भाई कैसे काम होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने को उन चीजों के लिए, उन बदलाव के लिए चीजों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रिपेयर ऑप्शन है, मतलब अगर हमें पता हो कि भविष्य में किस क्या क्या बदलाव होने वाला है तो हम उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी जो है सही हो जाएगा, 156 का, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 157 क्या कह रहा है, सक्सेसफुल चेंजेस इन इज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सक्सेसफुल चेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एस्पेक्ट, कह रहे हैं कि जो सफल परिवर्तन है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, सफल परिवर्तन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यह दो चीजों का परिवर्तन होता है, एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है कि फ्यूचर की मांग क्या है, ठीक है। परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन इस पर डिपेंड करता है कि समय की मांग क्या है और उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा भविष्य, यहां पर लिखिए, देखिए परिवर्तन होता क्यों है, भविष्य की मांग को देखते हुए। तो अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पहले आपके यहाँ एक सड़क पतली सी रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट बैठी रहती है और वो सर्वे कराती रहती है कि किस साइड में कहाँ पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है, वो पहले से वहां पर 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन करने का प्रोजेक्ट चालू कर देती है। और शुरू शुरू में आपको लगता है यार इतनी चौड़ी सड़क का क्या फायदा, इस पे तो गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं, और देखते ही देखते उस पे उतनी ही भीड़ हो जाती है जितनी सिंगल लेन में होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही चीज है, भविष्य के पहलू, मतलब ये एस्पेक्ट, मतलब जो भविष्य की मांग है ना कि फ्यूचर में क्या होना है उसको देखते हुए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, वही सक्सेसफुल बदलाव कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आंसर ए हो जाएगा, टेक्निक्स यूज होंगी, किसके लिए यूज होंगी, फ्यूचर के मांग को पूरी करने के लिए, फ्यूचर की जरूरत को देखते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वर्क अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति द्वारा एक फिक्स समय के लिए किए गए कार्य को कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी फिक्स समय के लिए, जैसे मान लो एक व्यक्ति है कोई 6 महीने साल भर 10 साल के लिए कोई कार्य करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जॉब कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, जॉब कहा जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, 58 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 59 की तरफ, एनी टास्क ऑफ पीस ऑफ वर्क फॉर विच अ पर्सन गेट पेड फॉर इट कॉल्ड, कोई व्यक्ति एक कार्य काम करता है जिसके लिए उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह के दौरान भी आप लोगों को कहा जाता है ना कि यार ये जॉब बना दो, तो उसको भी हम जॉब ही कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई आपके यहाँ आया, आपने कहा कि भाई ये लकड़ी है, इस लकड़ी का टेबल बना दो, तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा जॉब, क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा जॉब, ठीक है। और यहां पर जॉब और ये जॉब, दोनों जॉब में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, लेकिन ये भी कहलाएगा आपका जॉब। तो यहां पर आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ कारपेंटर मेक अ वुडन चेयर एंड गेट पेड फॉर इट, इट इज फॉर इट
इट इज हिज। जब एक बढ़ई, अभी थोड़ी देर एग्जांपल मैंने दिया था, मैं टेबल का दे दिया था, कुर्सी आ गया। जब कोई एक लकड़ी काम करने वाला व्यक्ति कुर्सी बनाता है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, तो किस वह उसका क्या होता है? वह उसका काम है, जॉब है। ठीक है, तो ये जितने भी इधर आंसर थे सबका ऑप्शन जो है जॉब ही सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी? हमेशा की तरह नीचे मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और आप कोशिश करिए कि ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। मैं क्लास वाइज इस बार मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्लास के बाद आपके लिए पीडीएफ तैयार करता हूँ खुद, और एक एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ यहाँ पर, और साथ में जो कोशिश है टेस्ट को, जो ऑनलाइन टेस्ट इस वेबसाइट पर है और पीडीएफ है, इनको प्रैक्टिस कीजिए और इस क्लासेस को समझ के। अब जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता हूँ, 20 क्वेश्चन कराने में अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 50 मिनट के आसपास की क्लास होगी, लेकिन ये 20 क्वेश्चन है नहीं एक्चुअल में। जब इसकी कैलकुलेशन, इसकी कहानी, इसकी स्टोरी लाइन को समझोगे आप, तो ये 20 की जगह आपको 50-60 क्वेश्चन के बराबर ये दिखेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको 300 क्वेश्चन तैयार कर दिया, करवा दिया, तो समझ लो आपका 1000 क्वेश्चन तैयार है, समझ के अगर किए। अब इस तरह से अगर कर रहे, हो सकता है कुछ लोग बहुत फास्ट चलाते हो या भगा भगा के बस आंसर ABCD देख रहे हो, तब फिर उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन सच में अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और चीजों को समझ समझ कर, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ना, क्या स्किल्स हैं, क्या प्रमोशन है, ये सारी चीजें, तो जब इन चीजों को आप समझ लोगे, तो क्वेश्चन अगर बदल भी जाता है, आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, या क्वेश्चन को आंसर बना देता है, आंसर को क्वेश्चन बना देता है, तो भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप और हम यहाँ पर डिस्कस करके पढ़ रहे थे। तो बस आप भी कोशिश करिए कि ध्यानपूर्वक पढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाला हूं मैं, लेकिन कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप लोगों से, आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। और आलस कर रहे हो सब्सक्राइब करने में बड़े भाई, कर लो सब्सक्राइब और थोड़ा शेयर कर दिया करो, जिससे कि सपोर्ट हो सके, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बच्चों के बीच हम पहुंच रहे हैं। तो बच्चों के बीच पहुंचाने में कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।